गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्राफ्ट कॉटेज। आ जाइए आप लोग, ज्वाइन कीजिए, फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम आप लोगों को मैं ड्रॉ करना बताऊंगी ग्रिड व्यू से, और दूसरा हम लोग बोर्ड के बैक को हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे वो बताऊंगी। ठीक है, आज हम दो चीजें करेंगे और कल से फिर हम कल को हम अपना क्लेवर करेंगे। अगर एक दिन में ही कंप्लीट हो गया ठीक है, नहीं तो 2 डेज में फिर हमारा क्लेवर हो जाएगा। वैसे ज्यादा तो है नहीं है। एम आई ऑडिबल? आ जाइए फटाफट से, जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए। बस मैं एक मिनट और वेट करूंगी, उसके बाद फिर हम लोग अपना सेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जिसने ज्वाइन किया प्लीज एक हाय का मैसेज कर दीजिए और मुझे बता दीजिए एम आई ऑडिबल, वीडियो क्लियर है और ऑडिबल हूं आपको। हमारा इसकी क्लास हमारी चल रही है ना। आज मैंने आप लोगों को बताना था कि इसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे। सिर्फ यही नहीं, आप कोई भी पिक्चर होगी उसको किस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो बहुत इजीली, वो बताऊंगी आज आप लोगों को। ज्वाइन कर लीजिए बस, फिर हम लोग स्टार्ट करें। ये देखिए, मैंने आपको उतनी देर में अपना बोर्ड दिखाती हूँ। हमने, क्योंकि इसमें जब हमने चॉक पाउडर मिक्स किया था तो उसमें हमने बिल्कुल भी वाटर नहीं मिक्स किया था, है ना, तो कहीं पर भी कोई क्रैक नहीं है। ये देखो मेरा बोर्ड, इस पर हल्का हल्का हमने टेक्सचर दिया था, दिख रहा है आप लोगों को? ये देखिए टेक्सचर हमारा, है ना, इस तरह से हमने बिल्कुल लाइट टेक्सचर दिया। एम आई ऑडिबल प्लीज बता दीजिए। एक्चुअली मैंने सोचा थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि फिर समझ नहीं आएगा किसी को ना, एक बार स्टार्ट कर लिया तो। चलिए, मैं नीचे अपने वर्क स्टेशन पे कर रही हूँ कैमरा को, और आप लोगों को बताती हूँ कि ग्रिड व्यू, पहली बात तो ग्रिड व्यू है क्या। ठीक है, ग्रिड व्यू होता है कि जब हम किसी भी पिक्चर को छोटे छोटे स्क्वायर्स में या रेक्टेंगल्स में, जिसमें भी उसको, हम उसको डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद उसको हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मैं कैमरा नीचे कर रही हूँ, मैं और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारी पिक्चर है जैसे, ठीक है, इसको हमने, आप चाहो तो इसको छोटे बोर्ड पर भी बना सकते हो, इससे छोटा बनाना है तब भी हम कर सकते हैं। इसको अब, इस पिक्चर को मैं इतने बड़े पर अपने बोर्ड पर ड्रॉ करूंगी, ठीक है, इससे बड़ा होगा वो भी आप कर सकते हो। ग्रिड व्यू ऐसी टेक्निक है जिससे आप किसी भी पिक्चर को छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा करके ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो हमारी पिक है उसको हम दोनों साइड से, ये साइड और ये साइड, इसको हम इक्वल डिवाइड करेंगे। जैसे मेरी ये साइड है, मैं सेंटीमीटर्स, मैं फ्रेम के अंदर का हिस्सा उसको मेजर कर रही हूं, क्योंकि मैंने फ्रेमिंग के लिए अपने हिसाब से यहां छोड़ा हुआ है। ठीक है, अब मुझे सिर्फ अंदर वर्क जितना करना है उस चीज को करना है रेडी, तो मैं इसका अंदर का अगर पार्ट देखूं तो ये मेरा है 27 सेंटीमीटर्स।
फ्रेम के अंदर अंदर का मैं पार्ट ले रही हूं, ये है मेरा 27 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 27 को मैंने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। मैंने पहले अपने बोर्ड पर इक्वल पार्ट्स में यहां डिवाइड किया था, यहां मैंने 13 में इसको डिवाइड किया। ये हमारा था 30 था हमारा, 30 में से मेरा 2.5 निकल गया था, बाकी जो एरिया था उसको मैंने 13 में डिवाइड किया। मैं क्या करूंगी, ये मेरा 27 में है, 27 को मैं 13 में डिवाइड करने लगी हूं। अब मैंने, आप जितने मर्जी स्क्वायर्स में कर सकते हो, 13 को आप 10 में भी कर सकते हो, आप 12 में भी कर सकते हो, 16 में कर सकते हो, जितना बड़ा आप स्क्वायर बनाओगे उतना एरिया हमारी पिक्चर का उसमें ज्यादा कवर होगा। जितना हम छोटा बनाएंगे उतना हमारा ड्राइंग का जो एरिया है वो थोड़ा कवर होगा। अभी जब आप पूरा देख लोगे ना फिर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है। ये देखिए, अब ये 27 है, इस साइड से मैं करती हूँ, आप लोग को दिखेगा, ये 27 है, तो 27 को मैं 13 पार्ट्स में डिवाइड करने लगे, 13 2s are 26, है ना, 26 यानी 2 सेंटीमीटर हो गया हमारा 26, यानी अगर मैं 2 सेंटीमीटर के लगाऊं तो वो 26 बनेगा, लेकिन ये मेरा कितना है 27, तो मैं 2 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ऊपर, बिल्कुल हल्का सा ऊपर मैं क्या करूंगी, हर 2 सेंटीमीटर पे मैं एक निशान लगाऊंगी, हर 2 सेंटीमीटर से बिल्कुल हल्का सा ऊपर मैं ले रही हूं, एक पॉइंट ऊपर आप कह लो, ठीक है। इक्वली मैं इसको 13 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, इस तरह से, ठीक है, 2 सेंटीमीटर पर। जहां से क्लियर नहीं होगा पूछ लेना आप लोग, एम आई ऑडिबल, ये मेरा थोड़ा सा वो रह गया, मैं थोड़ा सा इससे और आगे करूंगी, मुझे इसको 13 पार्ट्स में मैं इक्वली डिवाइड कर रही हूं, ये मैंने जो लगाई थी ना लाइन उससे थोड़ा थोड़ा नीचे करके कर रही हूं, ताकि हमारा जो लास्ट वाला है वो, इसी तरह से मैं इसको इस साइड भी सेम मेजरमेंट की जो हमने इस साइड लाइनिंग की है, सेम मेजरमेंट में इस साइड भी कर रही हूं, इस साइड भी लाइन ड्रॉ कर रही हूं, 1 2 3 4 9 10 5 1 मिनट 2 4 6 8 10, एक मिनट मेरा ये थोड़ा सा मेजरिंग में कुछ, मैं जितना लिया ना उसको ही आगे इस तरह से कर रही हूं इक्वली, ताकि ये डिवाइड हो, नहीं तो हमारा, हमारी ड्राइंग खराब हो जाएगी, ठीक है। इसको हमने इक्वली डिवाइड करना है, ये जरूरी है। अभी इसका एक और अल्टरनेट आपको बताऊंगी जिसमें आपको मेजर भी नहीं करना पड़ेगा, पर मैं आपको, एक ऐप आती है, एक या बहुत सारी एप्स हैं जिसमें आप ग्रिड ऑलरेडी उसमें, वो ऐप में डालो आप फोटो, और आपने जितने स्क्वायर्स बनाने हैं, जितनी लाइंस बनानी है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना ग्रिड जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। अब हम इन लाइंस को ज्वाइन कर देंगे, ग्रिड व्यू मींस जब हम इसको डिवाइड करके यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को, हमने इसको इक्वली डिवाइड किया है, मैंने इसको 13 पार्ट्स में डिवाइड किया है इक्वली,
ये देखिए, ये मेरे 13 इक्वल पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। इसी तरह से मैं इस साइड को भी डिवाइड करूंगी। हमने सिर्फ एक साइड पे देखना, दूसरी साइड तो हमने सेम वैसे ही, इस साइड में बना रही हूं 6, क्योंकि मैंने बोर्ड पर एक्चुअली इसके ना नंबर्स नहीं नजर आ रहे मुझे, एक मिनट। ये है हमारा अंदर का पार्ट, मैं सिर्फ ले रही हूं। ये है मेरा 13 सेंटीमीटर्स है। अगेन यहां पर मैंने 6 लेने हैं, तो 6 2s are 12, अगेन 2 2 inches से, जैसे हमने इधर किया था सेम उतना ही हम 2 से थोड़ा सा ऊपर हम इधर भी लगाएंगे। मैं बाहर लगा रही हूं क्योंकि मुझे ना यहां इस पे नजर नहीं आ रहा। 1 2 3 4 5 and 6 ये हो गया लास्ट वाला, ठीक है। इसी तरह से मैं नीचे वाली साइड भी 2 2 centimeters पर निशान लगाऊंगी। वन टू थ्री फोर एंड फाइव और 6 ये मारा। इसको भी मैं ज्वाइन करूंगी आपस में। ये मैंने कलर पिक्चर निकलवा लिया, ब्लैक एंड व्हाइट इसके लिए ना, ब्लैक एंड व्हाइट निकलवा लेना। ये देखिए आप लोगों को दिख रहे हैं इसमें छोटे छोटे ये स्क्वायर्स। मैं पेन से एक मिनट लाइन लगा के देखती हूँ, शायद उसके ऊपर एक मिनट पेन से लगा के देखती हूँ, अगर पेन से ज्यादा डार्क आती है ताकि आपको दिख जाए ना। नहीं सेम ही है। ये देखिए इसमें ये छोटे छोटे हमारे स्क्वायर्स बन गए हैं, ठीक है। अब जब हम ड्रॉ करेंगे इसी तरह से हम सेम, मैंने इस साइड 13 और इस साइड 6 में डिवाइड किया है, इसी तरह से मैं अपने बोर्ड पर भी क्या करूंगी, इसको 13 में और इस साइड को 6 में डिवाइड करूंगी। जैसे ये मेरी साइड है जहां पर मैंने वर्क करना है, मैं उतनी ले रही हूं। ये मेरी 12.25 है, ठीक है। 12.25 मीन्स 2 से अगेन थोड़ा सा ऊपर, तो मैंने 2 से थोड़ा सा ऊपर पर यहां पर 5 लाइंस ड्रॉ कर ली, जिससे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर्स आ गए। इसी तरह से मैंने 2 पर नीचे लगा ली। अब मैं इस साइड भी, इस साइड मेरा है ये 24 and 3.75 था। इसको मैंने, क्योंकि मैंने ये साइड 13 में डिवाइड की है, तो इसको भी मैंने 13 में डिवाइड कर लिया। 13 2s are 26 और ऊपर 1.75 है, तो मैंने अगेन 2 से थोड़ा सा ऊपर लेके इस साइड में निशान लगा लिए। क्लियर हुआ यहां तक प्लीज मुझे बताओ। उसके बाद मैं क्या करूंगी, इन लाइंस को ज्वाइन करूंगी यहां पर अपने बोर्ड के ऊपर। हम इस, जैसे हमारी उस पिक्चर पर स्क्वायर्स हैं, बिल्कुल सेम वे से हम इस पर भी स्क्वायर्स बनाएंगे, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर जो भी आपके इसकी शेप आएगी। इसके बाद मैं आपको एक और चीज एक मिनट बताती हूं। यहां तक क्लियर है प्लीज बता दीजिए। कोई रिप्लाई कर सकता है प्लीज, या आज फिर मेरे एफबी में ही प्रॉब्लम है, फिर से मैसेज नहीं मुझे कोई आ रहा। आप लोग मैसेज करने में इतनी कंजूसी क्यों करते हो, मुझे पता चल जाएगा ना कि आपको क्लियर हुआ कि नहीं, नहीं तो मैं आप लोगों को दोबारा से बता दूं। मैं ये सारी लाइंस इस तरह से ड्रॉ करूंगी। अगर आपको ये ग्रिड बनाने में अगर आपको ये ग्रिड का ड्रॉ करने में मुश्किल है, आपको डिवाइड नहीं करना आता, तो उसका भी एक हल है हमारे पास।
वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं ये लाइंस ड्रॉ कर लूँ उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या कर सकते हो। इस तरह से मैंने सारी लाइनिंग की, अब इसी तरह से मैं ये वाली जो लाइनिंग है हमारी इसको भी मैं ज्वाइन करूंगी, इस साइड को भी मैं सारी लाइंस आपस में ज्वाइन करूंगी। अब मेरे पास सेम स्क्वायर्स जैसे मेरे पिक्चर में हैं, वैसे ही मेरे पास मेरे बोर्ड पर भी जो है वो स्क्वायर्स मिल जाएंगे। जो आप पीछे मास्क लेडी देख रहे हो ना, ये भी मैंने इसी मेथड से ही ड्रॉ किया था। जो बुद्धा है वो भी इसी मेथड से ही ड्रॉ किया था। ये देखिए, अब ये मेरे पास क्या हुआ, ये स्क्वायर्स आ गए। ठीक है, सेम स्क्वायर्स मेरे पिक्चर पर भी हैं। अब एक चीज ये देखिए, ये जो हमारी मास्क लेडी वाला था ना, ये भी इसी तरह से किया था। इसको मैंने ये डिवाइड करके और फिर अपने बोर्ड पर ड्रॉ किया था। इससे क्या होता है, आपकी मिस्टेक्स जो है वो ना के बराबर हो जाती है। अब मान लीजिए आपको ये ड्रॉ करना, इसको डिवाइड करना नहीं आता, वैसे कुछ नहीं है, हमने इस साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, फिर जितने हमने स्क्वायर्स या रेक्टेंगल्स जो भी हमारे बन रहे हैं यहां पर बनाए हैं, जितने पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है उतने में ही हमने इसको डिवाइड करना है। अगर आप मान लीजिए ये छोटा बना रहे हो, इस पे बना रहे हो आप, इतना इसको और छोटा कर रहे हो आप, तो इतना ही अगर मैंने इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया तो मैं इसको भी 6 पार्ट्स में ही डिवाइड करूंगी, और इसको मैंने 13 में किया तो इसको भी 13 में करूंगी, तो इसमें हमारा वो पीस जो है वो ड्रॉ होगा। तो आप इसको जितना छोटा जितना बड़ा चाहते हो ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड थिंग, अगर आपको ये डिविजन करनी नहीं आती तो हमारे फोन में बहुत सी ऐसी एप्स हैं जिससे इस तरह का ग्रिड बना बनाया निकलता है। आप उसमें फोटो डाल देना, आपको जितनी लाइंस ऐसे चाहिए, जितनी वर्टिकल में जितनी हॉरिजॉन्टल में, वो आप अपने हिसाब से, जैसे पहले 10 डाल के देख ली, अगर आपको लगता है कि नहीं पिक्चर बहुत हैवी है, स्क्वायर और छोटा हो और मुझे इजी होगा ड्रॉ करने में, तो आप उतनी ही लाइंस बढ़ाते जाना। ठीक है, ये देखिए, ये अब ये ग्रिड व्यू से इसमें ऑलरेडी बना हुआ है। अब मैं क्या करूंगी, मैं ग्रिड व्यू से निकालूंगी ऐप में से, इसमें से जब जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से 10 में डिवाइडेड है, तो मैं क्या करूंगी, अपने बोर्ड को, जो भी मेरे पास बोर्ड होगा उसको मेजर करके उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। ठीक है, ऐसे जितना इधर से डिवाइडेड है, इतना जितना इधर डिवाइडेड है, जितने भी मान लीजिए ये 15 स्क्वायर्स हैं या 17 स्क्वायर्स हैं, तो इसको भी मैं इस साइड को भी मेजर करके और उसको उतने ही पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगी और फिर हम उसको ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद क्या करना है हमने, मैं अपनी पेंसिल थोड़ी सी और शार्प कर लूं। ये इस मेथड से आपको कभी भी बड़े बड़े जो आप प्रिंट आउट्स निकलवाते हो वो नहीं निकलवाने की जरूरत, सिर्फ आप एक A4 साइज का एक प्रिंट आउट निकलवाना, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट चल जाएगा। ठीक है, और उससे आप ग्रिड व्यू से आप ड्रॉ कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर नंबरिंग करेंगे। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा और ऊंचा कर दूंगी। आई होप अब ज्यादा अच्छे से आप लोगों को नजर आएगा।
इसको थोड़ा सा पीछे करती हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस यहां पर नंबरिंग करेंगे। ये हमारा पहला स्क्वायर है, क्योंकि यहां पर तो मैंने फ्रेम भी करना है। इसके ऊपर मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहां तक करूंगी ना, मैं इतना है तो ये मेरे 6 स्क्वायर्स है। ऐसे ही मैं नीचे वाली साइड भी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ठीक है। इसी तरह हम इधर भी, ये मेरा इस साइड से ये पहला स्क्वायर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13 ठीक है। इसी तरह से आप इस साइड भी लिख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13 अब यहां मैंने नंबरिंग कर दी है, ये है मेरी 6 तक और ये है 13 तक। इसी तरह से आप अपनी पिक पर भी नंबरिंग करोगे। ये मेरा पहला स्क्वायर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ओहो मैंने इसमें 13 की, इसमें 12 कर दिए, गलत हो गया। ये गलत हो गया, मैंने इस पर ना 12 वो कर दिए मेरी इरेजर। हमें इसको, मैंने इसको 13 में डिवाइड किया था तो इसको हमने 13 में करना था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये तो ठीक है। ये गलत कैसे हो गया, एक मिनट जस्ट वेट प्लीज, मुझे इसको 13 में डिवाइड करना था। ये मेरा एरिया था ना, मैंने सेंटीमीटर्स में किया था, 2 से ऊपर 1, 2, 3 ये थे, अच्छा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इसी तरह से इस साइड भी था। एक मिनट मैं इसको 13 में कर लूँ जरा डिवाइड, 1, 1 ये हमारा 2 ये है 3, 4, 5 7, 8, 9, 10, 11 और ये हो गया हमारा 12। एक बार दोबारा से थोड़ी ज्वाइनिंग कर लूं लाइंस की, गलत हो गया मेरा ये 2, 3, 4 इस साइड मैंने ज्वाइन ही नहीं किया क्या लाइन्स को, 5, 6 आपको ना लाइन्स भी इसमें दिखेंगी नहीं। स्केच पेन देखो, अगर स्केच पेन मिल जाए ना तो उसके साथ फिर डार्क हो जाएंगी लाइंस, आप लोगों को ना नजर आएगा, इसमें थोड़ा लाइट रह जाएगा। दिख रहे हैं स्क्वायर्स इसमें, ये देखो मटकी पे दिख रहे होंगे है ना। अब हमने क्या करना है, हम नीचे से स्टार्ट करेंगे,
ड्रॉ करना, ठीक है। आपने इसको काउंट कैसे करना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये 13, 1 2 3 4 5 6, ये बड़ा हॉच पॉच हो गया, 11 and 12, ठीक है। अब जब हम ड्रॉ करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये मेरा पहला स्क्वायर है, देखो नीचे से मैं शुरू करूं तो ये मेरा पहला स्क्वायर है, यहां से 12 और यहां से 1, 12 और 1 के बीच में यहां से हमारी जो भी चीज, जितना भी हमारी चीज बन रही है हमने उतनी बनानी है। जैसे ये मेरा सॉरी 13, ये 13 और ये 1 है ना, तो यहां पर मेरा क्या ये बन रहा है, सिर्फ इतना पोर्शन ये चीज, तो मैं इसको देखूंगी कि ये मेरे स्क्वायर में कहां से, ये हाफ से शुरू होके ये हाफ के नीचे से इस तरह से ये देखो, ये अगर मैं पिक को देखूं, ये मेरे 13 और ये 1 है ना, 13 और 1 में क्या आ रहा है, यहां से लेकर यहां सेंटर से सॉरी यहां से लेके मैं उसको देख देख के पिक, हर स्क्वायर को आप देखोगे और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पिक जो है वो बनाओगे यहां, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट ये 12 है यहां पर, 12 और ये 1 में फिर क्या आ रहा है, यहां लाइनिंग और थोड़ी सी ये लाइनिंग है। आप ये स्क्वायर्स के बीच बीच में जो जो आपके स्क्वायर के बीच में जैसे जैसे जा रहा है आप वैसे वैसे करते जाओगे, ये मैंने यहां जा रही है और ये लाइन हमारी इसके यहां तक आ रही है, तो आप जैसे जैसे ये ड्रॉ करोगे ना स्क्वायर्स के बीच बीच में वैसे वैसे बनता जाएगा। उसके नेक्स्ट फिर हमारा यहां से ये हमारा 12 और यहां से 2, 12 और 2 के बीच में ये हमारा थोड़ा सा बस पार्ट आ रहा है इसका फेदर का, ये ऐसे बस। अब हम क्या देखेंगे, ये हमारा कौन सा पार्ट है, 3 1 2 3, ये 3 की तरफ से और ये 13 की तरफ से, 13 की लाइन में और 3 की लाइन में, ठीक है। ये फर्स्ट जो है हमारा नीचे, इसमें ये हमारी लाइनिंग यहां से लेके इसकी यहां पर जा रही है, तो हम जैसे जैसे ये लाइनिंग जाती है हम वैसे वैसे इसमें ड्रॉ करते जाएंगे। जैसे ये मेरा यहां 13 है और ये 3 है, तो इसके यहां पर ये लाइन इस तरह से जा रही है, तो आपका जैसे जैसे पिक्चर में है ना बिल्कुल वैसे वैसे ही आपका जो वर्क है वो ड्रॉ होता जाएगा। इसी तरह से अब यहां से फिर 13 और ये आगे 4 का जो स्क्वायर है, 13 और 4 का जो स्क्वायर है उसमें ये यहां से लाइन सिर्फ ये इतना सा ऐसे जा रहा है, ऊपर टच कर रहा है, तो 13 और 4 का ये क्या होगा, इस तरह से हाफ में जा रहा है, हाफ को टच कर रहा है इस तरह से। तो आप जैसे जैसे ये स्क्वायर्स को देख के ड्रॉ करते जाओगे ये आगे आगे आपकी पिक्चर बनती जाएगी। क्लियर हो रहा है, प्लीज कोई आंसर करो मुझे, दिख रहा है और क्लियर हो रहा है आप लोगों को। इसी तरह से नेक्स्ट फिर मैं क्या करूंगी, अब ये नेक्स्ट मेरा जा रहा है यहां पर, हम सिर्फ आउटलाइनिंग ड्रॉ करेंगे इसकी, क्योंकि ये जो बीच का डिजाइन है ना यहां पर हमने पहले क्ले वर्क करना है उसके बाद हमने ऊपर डिजाइन करना है, तो हमें सिर्फ ये मटके की जो आउटलाइनिंग है हमें सिर्फ यही चाहिए, ठीक है। अब मैं इधर इसके साथ ज्वाइन करूंगी, इसके साथ ज्वाइन करने के लिए यहां 13, ये 13 मेरा और यहां से 2nd, इसमें ये मेरी लाइन यहां से इतनी जा रही है बस ये स्क्वायर में, ठीक है। तो ये हम 13 और इसमें ये कहां से करेंगे बस, ठीक है। आगे फिर ये 12 और 2, नीचे से 2 है इधर से 12 है, 12 और 2 में ये मेरी लाइन यहां से इधर टच कर रही है इसके साथ, ठीक है। तो ये 12 और 2 में यहां से लाइन जा रही है और ये इसके साथ टच हो रही है, ठीक। आगे 11 और 1 में यहां से थोड़ी सी बस
थोड़ी सी आएगी इस स्क्वायर में, ये 11 और 1 आपको दिख भी रहा है, मैं यहां रख के दिखाऊं नीचे देखो, जिससे आप लोगों को और क्लियर हो। ये देखिए ठीक है 11, ये मेरा 12 और ये 1, 12 और 1 से ये थोड़ा सा गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाएगा ये 11 आ रहा है, 11 और ये 1 में जाके यहां नीचे से देखा तो 1 की रो है, इधर से देखे तो ये 11 की, इधर नंबरिंग गलत लगी हुई है, इधर से देखे तो ये 11 की, तो ये मेरी लाइन कहां से जा रही है, ये देखिए यहां से जाके यहां, ये हमारा स्क्वायर आ रहा है ना, स्क्वायर के हिसाब से आप चलोगे तो ये लाइन यहां आके यहां टच करी है, हाफ से थोड़ी सी पीछे है, तो ये हाफ से यहां से मैं थोड़ी सी पीछे ड्रॉ करूंगी, तो ये मेरा आएगा इस तरह से। ठीक, अब नेक्स्ट इसी तरह से आप इसको मटके को जो है वो हम पूरा बनाएंगे, 10 और 1 का स्क्वायर, फिर हमारा ये जा रहा है इस तरह से, अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है इस लाइन के यहां पर, और इसके हाफ में से जहां से हमने निकाला था वहां से, और यहां के ऊपर वाली लाइन के थोड़ा सा पास, तो अब हम 10 और 1, ये मेरा आ गया 10 और ये आ गया 1, ये मुझे यहां पर लानी है लाइन, तो ये मैंने इस तरह से ड्रॉ किया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा 9 में जाके और 1 में बिल्कुल थोड़ा सा आएगा, ये बिल्कुल थोड़ा सा 9 और 1 में, ये बिल्कुल थोड़ा सा, क्लियर हो रहा है? पता नहीं मैसेजेस आपके आते नहीं है या आप लोग करते नहीं हो। 10 और 1, उसके बाद अब 10 रो 10 की, 9 और 2, ये 9 हो गया, ये 9 की रो है और यहां से ये 2, 9 और 2, आपने बस स्क्वायर्स के नंबरिंग दे दी ना, तो उस नंबरिंग के हिसाब से आपने चलते जाना है। 9 और 2 में देखो क्या है, 9 और इधर से देखेंगे, सॉरी 9 और 2, ये 2 है हमारा। ठीक है, तो यहां से ये जाके ये ऊपर इस जगह पर जा रही है, ये 9 और ये 2 हमारा 9 और 2 में हमारे हाफ पे जा रहा है, ये हमारा जो घड़ा है वो हमारे हाफ पे जा रहा है। देन अगेन उससे नेक्स्ट में आप देखोगे, बस इसी तरह से आपने आगे आगे बढ़ते जाना है और इसको कंप्लीट करते जाना है, अपने स्क्वायर्स के हिसाब से चलते जाना आपने अपने। ये हमारा अगेन हाफ पे आ गया, ये देखो हमारा घड़ा जो है वो ड्रॉ होता जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से इस साइड से हम नीचे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है? इसी तरह से नीचे से हम करेंगे, ये 4 का हमने ड्रॉ कर दिया था, अब हम जा रहे हैं 4 और 12 की लाइन में, 4 और 12 में हमारा ये घड़ा इस तरह से जाएगा क्वार्टर पे। इस तरह से यहां से ये अंदर को है, जिस जिस तरह से आपका यहां पर स्क्वायर्स में आपने वर्क किया है वैसे वैसे ही आपने बिल्कुल चलते जाना है। अब 11 और 5, ये हमारा 11, ये 5, इसके ऊपर यहां से आकर के ये हमारा आएगा ऐसे। ठीक है, ऐसे ही हमारा ये साइड आएगी 9 और नीचे से 4, 9 और नीचे से ये 4। ठीक है, 9 और 4 में ये हमारा नीचे नहीं जाएगा, इस तरह से जाएगा। ये देखो घड़े की शेप बन रही है। ठीक है, अब हमारा
अब हमने ये चीज इसकी ये ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम देखेंगे, यहां से हम स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारा 4, इधर से 10, 4। अब फर्स्ट टाइम आपको मुश्किल लगेगा, जब आप इसको यूज करने लग जाओगे ना तब आपको ये मेथड इजी लगेगा। ये तो डिजाइन बहुत इजी है, हम वैसे भी ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन ये इसलिए बताया कि आगे कोई आप करोगे तो आपको इजी रहे। 4 और 10, ये 10 हमारा है ना, 4 और 10 में से जा रहा है ये हमारा, दो लाइंस जा रही है हमारी यहां से 4 में से, एक यहां से और एक ये। क्लियर हुआ? प्लीज आप लोग कोई रिप्लाई कर दो मुझे। इसी तरह से आपने हर स्क्वायर में देख करके उसको ड्रॉ करते जाना है, जो हमने स्क्वायर्स इसमें बनाए हैं, जैसे इसमें क्लियर है, ठीक है, जैसे इसमें हमारे स्क्वायर्स क्लियर है, 1 2 3 हम ऐसे देंगे। जैसे मान लो आपने 1 2 3 ये पिक्चर ड्रॉ कर रहे हो, यहां पर भी हमने 1 2 3 ये लिखा है, तो हम क्या करेंगे, यहां से 3 स्क्वायर, यहां से थर्ड लाइन, यहां से सेकेंड लाइन। तो ये थर्ड और सेकेंड लाइन में क्या है, यहां से थर्ड लाइन है, यहां से सेकेंड लाइन है, तो ये थर्ड और सेकेंड लाइन में क्या आ रहा है, यहां से इतनी बाजू आ रही है। तो आप क्या है, जब स्क्वायर्स के हिसाब से जोड़ते जाओगे ना तो वो पूरी आपकी पिक्चर जो है वो ड्रॉ हो जाएगी, जैसे जैसे आप स्क्वायर के हिसाब से चलोगे। हम थोड़ा सा ऊपर से भी करके दिखा देती हूँ मैं आपको, ये नीचे से फिर मैं कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है, नहीं तो हमारा सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। इसी तरह से ये देखो 1 और 1 है ना, इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी जो आपने ड्रॉ करना है, हमने सिर्फ आउटलाइन ड्रॉ करनी है, हमने बीच में कुछ भी ड्रॉ नहीं करना, ठीक है, बीच में हमने कुछ भी ड्रॉ कर नहीं करना, हमने सिर्फ आउटलाइन को ड्रॉ करना है। तो ये कॉर्नर, ये दिखा देती हूँ आपको ड्रॉ करके, ये कॉर्नर वाला, ये साइड आपको दिख भी जाएगी है ना, ये हमारा है 1 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट कॉर्नर फर्स्ट और ये ऊपर से 6, ठीक है, इसके बीच में ये मेरा स्क्वायर है इतना। अब इस स्क्वायर के बीच में जो भी मेरी ड्राइंग है मैं वो ड्रॉ करूंगी, ठीक है। अब ये है मेरा 1 और यहां से है 6, ये है 1 यहां से है 6, तो इसके बीच में क्या है, ये मेरा यहां से ऊपर देखो, ये हम देखेंगे कि ये अगर स्क्वायर है हमारा, तो इस स्क्वायर में ये हमारा डिजाइन ऊपर से स्टार्ट है, तो मैं यहां से ये स्टार्ट करूंगी, ठीक है, ये गया यहां से, ये, ठीक है, उसके बाद ये यहां से घूम के ऐसे अगेन, फिर हम देखेंगे कि ये जो लाइन, ये जो जा रहा है ये हमारे नेक्स्ट ब्लॉक में चला गया, ये हमारी लाइन आएगी यहां से और ये हमारे कॉर्नर के थोड़ा सा पास है ये, ठीक है, और यहां पर थोड़ा ये आ गई ऊपर लिखा हुआ, नहीं तो ये भी यहीं से ही जा रही है, नेक्स्ट लाइन हमारी थोड़ी सी इसमें जाएगी लेकिन ये यहां से इसमें ही जा रही है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद ये नीचे का डिजाइन भी हमारा थोड़ा थोड़ा इसमें से ही निकल रहा है। अब ये 5th रो और 1st, ये हमारा थोड़ा सा इसके अंदर से जाएगा, ये 5th है और ये 1st है, तो ये यहां से घूम के इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट अब ये 2nd और 6th में क्या है, ये हमारी इतनी यहां पर ये लाइनिंग्स हैं, ठीक है, तो ये हमें ड्रॉ करनी है। पहले ये मेरा स्क्वायर है, आप ना ब्लैक एंड व्हाइट निकलवा लेना उसके ऊपर अच्छे से डिजाइनिंग, ये मेरा स्क्वायर है, अब इसमें एक ही लाइन पहले यहां से जा रही है ये, और ये इसके ऊपर यहां से आ रही है, ठीक है, देन सेकेंड लाइन हमारी ये जा रही है, थर्ड ये हमारे हाफ से नीचे थोड़ी सी चलेगी, ये थोड़ी सी नेक्स्ट में जा रही है लाइन,
नेक्स्ट, जैसे जैसे इसमें बनी हुई है ना, आपने बिल्कुल वैसे वैसे ही ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट मुड़ के इसमें जा रही है। जब आप इस तरह से स्क्वायर्स में वर्क करोगे ना, तो आपका जो डिजाइन है बिल्कुल सेम बनेगा जैसा आप आपकी पिक में है। बस मैं अब इसमें जो लाइंस है ना, मैं वो ड्रॉ कर रही हूं। अभी हमारे नीचे वाले उसमें चली गई, ठीक है। अब ये थर्ड यहां से और सेकेंड फिफ्थ यहां से, थर्ड यहां से है, फिफ्थ यहां से है, तो यहां से ये होती हुई, ये देखो ये इस तरह से यहां फिफ्थ इसमें आ रही है। नेक्स्ट उस नीचे वाले स्क्वायर में चला गया, उसके बाद ये यहां चला गया। आप जैसे जैसे स्क्वायर के अकॉर्डिंग चलोगे, वैसे वैसे आपका डिजाइन जो है वो बनता जाएगा। क्लियर। अब इसी तरह से हम यहां से सेकंड के यहां से है हमारी लास्ट वाली जो लाइन है, ये हम इतना डीप करने की जरूरत नहीं, ये तो हम ऊपर बाद में डिजाइन देंगे, बट बस मैं आपको बता रही हूं, ठीक है। इसी तरह से मैं पूरे इस पे ड्रॉ करूंगी अपना डिजाइन स्क्वायर्स के अकॉर्डिंग। इसको हम कहते हैं ग्रिड व्यू, ठीक है। ये मैं कंप्लीट करके रखूंगी कल। और एक मैं आपको और चीज बता दूं, ये इसकी बैक पर भी आपको करना बता दूं मैं, इसकी बैक को हम कैसे सेट करेंगे। जो हमारी वुड का ये जो बैक होता है ना, क्योंकि जब मैं वर्क कर देती हूँ उसके बाद फिर मैं यहाँ पे रख के करके नहीं दिखा सकती, क्योंकि नीचे ये हार्ड है तो वर्क मेरा खराब होता है। तो इसलिए मैं आज क्या करने लगी हूँ आपको, इसी पर बता रही हूँ, पहले बता रही हूँ। इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम, इससे क्या होगा, हमारी वुड ये जो हमारी वुड है ये सेफ भी हो जाती है, प्लस क्या कहते हैं, एक तो सेफ हो जाएगी क्योंकि हम बॉर्निश कर रहे हैं, और दूसरा ये जो लिखा हुआ है ये बुरा लगता है ना, तो हम इसको ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, तो इसको हमने कवर करना है। इसको हम कवर कैसे करेंगे, वॉर्निश ले रही हूं मैं, ये टचवुड वॉर्निश है नेरोलैक की, ठीक है। मैंने थोड़ा सा वॉर्निश लिया, इसमें मैं थोड़ा सा टर्पेंटाइन ऑयल या आप तारपिन का तेल हम जिसको बोलते हैं, मैं वो थोड़ा सा मिक्स कर रही हूं। मतलब अगर हमने 2 स्पून वॉर्निश लिया है तो 1 स्पून मैंने इसमें टर्पेंटाइन ऑयल जो है वो मिक्स किया है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये भी आप पहले ही कर लेना अपने बोर्ड के ऊपर, और आप कोई भी बोर्ड का वर्क करते हो तो सब पर आपने इसी तरह से बैक पर ऐसे ही करना है आपने, कोई भी वुड पर किसी भी तरह का आप कोई काम करते हो। अब इसमें मैं थोड़ा सा ब्लैक एक्रिलिक मिक्स कर रही हूं, क्योंकि ये क्लियर है और ये जो हमारा लिखा हुआ है ये ब्लैक में है ना। तो अगर हम ये खाली क्लियर वॉर्निश से, वुड तो हमारी सेफ हो जाएगी, लेकिन ये जो लिखा हुआ है ये दिखता रहेगा और वो बुरा लगता है। तो हम इसमें थोड़ा सा अपना ब्लैक कलर मिक्स करेंगे। आपकी जितनी वुड है उस हिसाब से आपने इसको मिक्स कर लेना है, थोड़ी ज्यादा। अब मैं इसमें अच्छे से कलर को मिक्स करूंगी। कल हम लोग कल हम क्ले वर्क शुरू करेंगे। आज मैं इस पर ड्रॉ भी करके रख लूंगी, और जो मैंने साइड पर आपको मार्जिन बताया था लगाने का, मार्जिन वो बॉर्डर जो मेरा, वो भी मैं लगा के रखूंगी। आज मैंने इसलिए बॉर्डर नहीं लगाया क्योंकि मुझे आप लोगों को ये ड्रॉ करके दिखाना था। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको हम अपने पूरे बोर्ड के ऊपर, ये भी ड्राई हो जाएगा मेरा, पूरे बोर्ड के ऊपर हम एक या दो कोट, अगर एक कोट पे ही सारा छिप जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप एक कोट और बाद में बेशक कर देना इसके ड्राई होने के बाद थोड़ा सा। अब इससे क्या होगा, जो आपकी जो वुड है ना,
क्योंकि हमने ऊपर ये वार्निश कर दी है, वो भी सेफ हो गई। और दूसरा ये जो लिखा हुआ है ये भी नहीं नजर आएगा, तो आपने बैग पर ये चीज भी जरूर करनी है। ये हमेशा मेरी रह जाती है, मैं फिर से ही बता देती होती हूँ कि इस तरह से करनी है, इसीलिए मैंने सोचा कि इस सेशन में मैं पहले करके दिखा दूं, क्योंकि वर्क होने के बाद फिर मैं उसको किसी सॉफ्ट जगह पर रख के ये काम करती हूँ, क्योंकि टेबल ग्लास का है वो हार्ड है और मेरा क्ले वर्क किया हुआ होता है तो वो खराब ना हो, इसलिए इससे क्या होगा हमारा वर्क जो है वो बहुत अच्छा लगता है। पीछे से लकड़ी दिखती हुई बुरी लगती है, प्रोफेशनल अगर आप अच्छे ढंग से काम कर रहे हो तो ये करना जरूरी है, चाहे आपने घर में ही लगाना है, क्योंकि ये सिर्फ इसको ही कवर नहीं करता लिखे हुए को, हमारी वुड को भी। ये जो हमारी टचवुड वगैरह होती है ये हमारी वुड के लिए ही है, ये जो वार्निश एक्चुअली ये हमारी वुड की ही वार्निश है, तो इससे हमारी वुड जो है वो उसकी लाइफ बढ़ जाती है, कोई कीड़ा वगैरह लगने का जैसे डर नहीं होता, तो इसलिए इसके साथ कवर करना बहुत जरूरी है। ये देखो अब जो लिखा हुआ था वो सारा छिप गया इससे, आज फिर मुझे कोई मैसेज नहीं आ रहा। प्लीज जो लोग देख रहे होते हैं वो मैसेज जरूर कर दिया करो कि आप लोगों को ऑडिबल हूं और क्लियर हो रहा है, क्योंकि बताने वाले को भी एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि हाँ मैंने जो बताया है वो आप लोगों को क्लियर है। अब मुझे बता के सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे पता नहीं लग रहा कि आप लोगों को समझ आ गया है या नहीं आया। आप लोग ट्राई जरूर करना, अगर डिफिकल्टी होगी ना इस तरह से ड्रॉ करने में तो आप लोगों को दोबारा से समझा दूंगी मैं, पर ट्राई जरूर करना इसको, क्योंकि हम ऐसे ही बड़े बड़े वो प्रिंट आउट्स निकालते हैं, जबकि ये बहुत इजी मेथड है। मेरे जैसा भी जिसको ड्राइंग नहीं आती मैं भी ड्रॉ कर लेती हूँ। देखो इस तरह से हम पूरा जो है हमारा वर्क बोर्ड जो है उसको कवर करेंगे। अब देखो इसकी बैक जो है कितनी अच्छी लगेगी, है ना, नहीं तो वो वुड नजर आ रही थी। ये ड्राई हो जाएगा ना तो मैं इस पर एक कोट और करूंगी, वैसे ये एक भी बहुत है। अब ब्लैक कलर हमने इसीलिए डाला था ताकि ये जो हमारा लिखा हुआ है, नहीं तो हम खाली वार्निश भी कर सकते थे इसके ऊपर, बस उसका रीजन यही था कि ये जो हमने हमारा ये जो लिखा हुआ है ये सारा ब्लैक कलर डालने से क्या है छिप जाएगा। कल हम लोग आगे क्लेवर स्टार्ट करेंगे, तो कल सभी लोग ज्वाइन करना प्लीज। ये थोड़ा सा जो ग्रिड है ना शुरू में लगता है कि शायद ये डिफिकल्ट है, बट ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, और खास करके जब आप ग्रिड बना बनाया आप ऐप में से निकाल लोगे फिर तो डिविजन्स की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने आपने उसमें बनाए हैं स्क्वायर्स उतने ही हमने सिर्फ अपने बोर्ड पर, सिर्फ आपको बोर्ड पर डिवीजन करनी है, डबल डबल डिवीजन नहीं करनी। अब ये भी कल तक मेरा ड्राई हो जाएगा, इवनिंग तक ये मॉर्निंग तक नहीं तो हो जाएगा, फिर मैं इसके ऊपर ड्रॉ भी करके रख लूंगी। कल हम बस वर्क स्टार्ट कर देंगे, होपफुली कल हमारा पूरा क्ले वर्क शायद हो ही जाए, कोशिश करेंगे कि कंप्लीट ही कर दें हम। चलिए ये देखिए इस तरह से हमारा बोर्ड जो है वो पूरा कवर हो गया। अब ये ड्राई होगा तो अगर मुझे लगा तो मैं एक कोट और कर दूंगी इसके ऊपर। इसको हमने ब्रश को साथ ही साथ अपने टर्पेंटाइन ऑयल के साथ क्लीन करना है। क्लियर हो गया आप लोगों को आज का सेशन, कल हम फिर 3:30 पे मिलेंगे। अच्छा ये एक आपको दिखाना था मैंने,
ये हमारा पेड क्लास में जो एलिफेंट चल रहा था वो कंप्लीट हो गया है। जो कॉम्पोजिशन था उसमें हमारा बस पीकॉक वास का आज शायद हो जाएगा क्लेवर कंप्लीट, और वो भी फिनिश होने वाला है। अगर कोई भी क्लास ज्वाइन करना चाहता है तो इसके रिकॉर्डेड सेशंस हैं, तो आप लोग रिकॉर्डेड सेशंस क्लास ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और रिकॉर्डेड सेशंस का मतलब ये नहीं है कि फिर भी कोई आपको कोई भी कभी भी प्रॉब्लम होती है तो आई एम ऑलवेज देयर, ठीक है। चलिए कल मिलेंगे 3:30 पे, कल हम क्लेवर्क स्टार्ट करेंगे इस पर, ठीक है। और किसी की कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, कोई ड्रॉ करने में कोई डिफिकल्टी हो तो आप लोग यहाँ पर मैसेज बॉक्स में छोड़ देना, या कल हम जब क्लास लगाएंगे तब मैसेज कर देना, मैं आप लोगों को जो भी डिफिकल्टी आ रही है उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता, कमेंट एक भी नहीं आता ना, तो ऐसे लगता है कि अकेले बोले जा रही हूँ। आपके कमेंट्स आगे से आते हैं तो अच्छा लगता है, और लगता है कि दो लोग हैं, आप कोई है आपके साथ, नहीं तो ऐसे लग रहा है अकेले बोले जा रहे हो आप। तो थोड़ा सा प्लीज कमेंट करने में कंजूसी मत किया करो, कमेंट जरूर कर दिया करो। चलिए कल मिलेंगे इवनिंग में अगेन 3:30 पे, हमारे इसी टाइम पर, इसी पेज पे, इसी ग्रुप में, ठीक है। और कल हम होपफुली कोशिश करेंगे कि हम अपना क्लेवर कल कंप्लीट कर दें, नहीं तो 2 डेज में, कल और परसों में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। ओके बाय एवरीवन, बाय, कल मिलेंगे फिर 3:30, बाय, टेक केयर।